बिस्मिल्लाह रहमान रहीम जी, मैं अली अवैस बांट बिल्डिंग न्यू पाकिस्तान से। जैसा कि बिल्डिंग न्यू पाकिस्तान ने अपनी कमिटमेंट शो की थी कि बिल्डिंग न्यू पाकिस्तान जो है वो किस चीज़ के ऊपर काम कर रही है कि पाकिस्तान के जितने भी कंपार्टेटिव एग्जामिनेशन हैं उन एग्जामिनेशन के हवाले से हेड टू टो कम्प्लीट गाइडेंस जो है वो इस चैनल के ऊपर मौजूद हो। इसका मकसद तो यही है कि जो कंपार्टेटिव एग्जामिनेशंस के एस्पायरेंट्स हैं हम उनको असिस्ट कर सकें, गाइड कर सकें और क्लैरिटी डेवलप कर सकें उनके लिए इस एग्जाम को लेकर। लेकिन ये खास तौर पे उन बच्चों के लिए है जो जो अंडर प्रिविलेज एरिया से बिलोंग करते हैं, दूर दराज इलाकों से बिलोंग करते हैं, छोटे छोटे गांव से बिलोंग करते हैं, कोई नवाबशाह से, कोई टंडो वाला यार से, कोई डीजी खान से, कोई राजनपुर से, कोई क्वेटा से, कोई कुसदार से। तो हम उन लोगों के लिए और हम उन लोगों के लिए और इनके साथ वो लोग जिनकी कोई फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स हैं जिसकी वजह से वो कोचिंग्स और इस तरह की चीज़ें, वैसे तो वो कोचिंग सेंटर्स भी कैपिटलिस्टिक मॉडल पे ही चले हुए हैं, मैं उनके खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन अगर वो जो फीस ले रहे हैं उसका हक अदा करें, प्रॉपर गाइड करें, प्रॉपर पढ़ाएं, ये एक अच्छी चीज़ है। लेकिन ज़्यादातर हमें लगता है कि इस तरह से चीज़ें नहीं होती। तो जो बच्चे अंडर प्रिविलेज एरिया से बिलोंग करते हैं या जो हम्बल बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं और ये चीज़ें उनकी राह में किसी भी तरह से, उनके एम्बिशन में किसी भी तरह से रुकावट बन रही हैं, हम इस एम्बिशन को अपने इस जो नई हमारा विजन है बिल्डिंग ऑफ पाकिस्तान का, इसके थ्रू ओवरकम करने की जरूरत कोशिश करेंगे। आज हमारे साथ तलहा शफकत मौजूद हैं, ही इज माई स्टूडेंट, ही इज जस्ट वेरी डियर स्टूडेंट, वेरी डियर यंगर ब्रदर, और इन्होंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की है यूईटी से 2022 के अंदर, और इन्होंने अपनी सीएसएस की पहली अटेम्प्ट की है 2024 के अंदर, वेरी शाइनिंग स्टूडेंट। और ये हमें पहले तो ये बताएंगे कि जब भी कोई बंदा अपने सब्जेक्ट्स को ऑप्ट करने की तरफ जाए तो सब्जेक्ट्स को ऑप्ट किस तरह से करना चाहिए, इनकी कोई जनरल स्ट्रैटेजी भी इन्होंने एक बनाई हुई थी उसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे, और फिर वन बाय वन हम जो दूसरी वीडियोस हैं उसमें इनके सब्जेक्ट्स को इन्होंने कैसे प्रिपेयर किया, डिटेल्ड एनालिसिस उसके ऊपर मौजूद होगा। तलहा, हम आपको वार्मली वेलकम करते हैं यार आज के इंटरव्यू के अंदर। सर थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। और तलहा, मैं अप्रिशिएट भी करता हूँ कि ये जो हमने मूवमेंट स्टार्ट की है कि पाकिस्तान में अपने हिस्से की शमा जलाएं, कंट्रीब्यूशन करें, तो आपने भी जो है वो उसमें पूरी तरह से अपनी इंक्लिनेशन और पूरी तरह से अपनी सपोर्ट शो की, तो मैं उसके लिए भी शुक्रगुजार हूँ। तलहा, थोड़ा सा आप बताइएगा कि जो आप सीएसएस में जो एस्पिरेंट्स हैं और वो सीएसएस में अपीयर होने के लिए जा रहे हैं, वो कन्फ्यूज हैं कि सब्जेक्ट्स कौन से आप करें, सब्जेक्ट की सिलेक्शन किस तरह से करें, किस तरह से इन चीजों को आगे लेके चलें, योर टेक ऑन इट। सर बिल्कुल, हमारी जो जनरली मोस्टली मैंने जो सीएसएस के एस्पिरेंट्स देखे हैं उनमें मेजॉरिटी हमें मिलते हैं साइंसेस के स्टूडेंट्स, मेडिकल के, इंजीनियरिंग के, बाकी फील्ड्स के भी होते हैं, बट ज्यादा कंसर्न, ज्यादा इश्यूज इन्हीं स्टूडेंट्स को आते हैं जो साइंसेस के बैकग्राउंड से होते हैं, इन्होंने कभी पीछे सोशल साइंसेस नहीं पढ़ी होती। अब जैसे मेरा खुद इंजीनियरिंग का बैकग्राउंड है तो इनिशियली मुझे सबसे एक हेक्टिक टास्क ये होता है कि यार कौन से सब्जेक्ट्स हमने सेलेक्ट करने हैं, कौन से सब्जेक्ट्स हमने नहीं ऑप्ट करने। फिर उसमें एक इशू ये भी आ रहा होता है कि आप कुछ टीचर्स कहते हैं कि आप अपने बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग चले जाएं, लेकिन उसमें जो सबसे बड़ा इशू ये होता है कि ऐसे गाइडेंस नहीं मिलती सीएसएस में, क्योंकि वो सब्जेक्ट्स आप इंजीनियरिंग में या मेडिकल में आपने वो तो कवर किए होते हैं, बट सीएसएस ओरिएंटेड प्रिपरेशन के लिए आपको ना उसमें कोई मेंटोर मिल रहा होता है, ना उस पर आपको कंटेंट मिल रहा होता है, क्योंकि हर हर एग्जाम की एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से एग्जाम लिया जा रहा होता है। सो इसमें जो सबसे पहले मुझे लगता है कि सब्जेक्ट्स सेलेक्ट करते वक्त हम लोगों को कुछ मेन चीज़ों को कंसिडर करना चाहिए, वो जो मैंने मैंने अपने एंड पे फैक्टर्स रखे थे कि ये फैक्टर्स हैं जिनको मैंने कंसिडर करना है और ये फैक्टर्स हैं जिनको मैंने नहीं कंसिडर करना, वो हर स्टूडेंट के लिहाज से वेरी करते हैं। सबसे पहले तो ये चीज है। अब जब मेरे जो सब्जेक्ट्स हैं, मैंने सब्जेक्ट्स ऑप्ट किए थे पॉलिटिकल साइंस, यूरोपियन हिस्ट्री, जेंडर, क्रिमिनोलॉजी और पंजाबी। अब आप इसमें ऑब्जर्व, जो एक मेन चीज ऑब्जर्व करेंगे, ये सारे के सारे सोशल साइंसेज हैं। अब मेरा इंजीनियरिंग का बैकग्राउंड था बट मैंने एक भी सब्जेक्ट अपनी बैकग्राउंड से नहीं ऑप्ट किया। उसकी रीजन जो मेन ये थी कि हम जब सीएसएस में आते हैं तो ऑल टुगेदर डिफरेंट बॉल गेम है।
मतलब कुछ भी हमारा पीछे टेक्निकल बैकग्राउंड से ऐसे चीज़ में कुछ डिमांड ही नहीं किया जा रहा था। तो मेरी जो ऑप्शंस ऑप्ट करने की एक सबसे बड़ा फैक्टर ये था कि मैंने अपना नॉलेज बेस इंक्रीज करना था। हम लोगों का बिल्कुल भी नॉलेज बेस नहीं होता, ना हमने कभी करंट अफेयर्स को पढ़ा होता है, ना मतलब बिल्कुल हम लोग अलूफ होते हैं इन सब चीजों से। सो मैंने सबसे पहले तो अपने ऑप्शंस ऑफ करते हुए चीज देखी थी कि मैंने वो ऑप्शंस ऑफ नहीं करने जिसमें मेरा थोड़ा सा भी बैकग्राउंड हो या मुझे बेनिफिट हो रहा हो। इंस्टेड मैंने वो ऑप्शंस की तरफ जाना है जो मुझे एक एक्सट्रीम लेवल का नॉलेज दे, मेरी सीएसएस की एक जो जर्नी है उसमें मुझे हेल्प आउट करे, ना कि मेरी पिछली जर्नी से मैं थोड़ा सा बेनिफिट लेना चाह रहा। फिर इसमें जो सबसे मेजर बेनिफिट है, मैं अपने ऑप्शंस पे आता हूँ तो मैं जो मुझे लगता है कि एक टाइम कंस्ट्रेंट वाला इशू होता है, हर स्टूडेंट के पास डिफरेंट टाइम होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अपनी प्रेपरेशन स्टार्ट कर दी थी 2022 नवंबर में, सो और मैंने 2023 की अटेम्प्ट दे दी नहीं थी, बट मेरे पास तब 2.5 मंथ से अटेम्प्ट से पहले। सो मैंने इंस्टेड के मैं वो टाइम वेस्ट करता आगे 2024 की अटेम्प्ट के लिए अप्रैल मई जून का वेट करता, मैं फ्री था, मैंने नवंबर में तैयारी स्टार्ट कर दी थी। So, उस लिहाज से जो मेरे ऑप्शंस ऑब्वियसली उस लिहाज से भी चेंज हुए थे। मतलब आपके पास जब एक्स्ट्रा टाइम आ जाता है तो आप वो कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जो छोटे होते हैं, जो इजी टू कवर होते हैं, जिनका कोर्स बहुत ही लिमिटेड होता है, जबकि कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जिनका कोर्स इनफाइनाइट कोर्स है, आप वो कवर कर ही नहीं सकते, एग्जाम के दिन तक नहीं कवर कर सकते। बट अगर आपके पास टाइम है इस सब्जेक्ट को देने के लिए तो आप उस पर, मतलब मैंने इस तरह अपनी स्ट्रेटेजी डिजाइन की थी कि मेरे पास टाइम था। So, मैं अब अपने अगर ऑप्शंस पे आपको बताता जाऊं कि मैंने किन फैक्टर्स को मतलब कंसीडर किया था अपने ऑप्शंस रखते हुए, तो उसमें सबसे पहली चीज तो ये थी कि सर हम पंजाब से हैं, पंजाब का आपको आइडिया है कि स्कोर का काफी इशू आता है, मतलब आपके रिटर्न पास हो भी जाए तो एलोकेशन एक बहुत बड़ा डायलमा है, एलोकेशन नहीं होती। तो उसमें मुझे मेरा, मैं टारगेट सब्जेक्ट्स ही ऐसे कर रहा था कि जो मुझे मैक्सिमम नंबर दें। मेरा जब मैक्सिमम नंबर से मैं, मेरा मुराद अक्सर स्टूडेंट्स का ये होता है कि मैं थोड़ा सा पढ़ के नंबर ले लूं। मेरा जो स्ट्रेटेजी थी मैक्सिमम नंबर की वो ये नहीं है, मेरी स्ट्रेटेजी ये थी कि मैं सब्जेक्ट को हर एस्पेक्ट से, हर लिहाज से कवर करूं तो वो मुझे एक्सट्रीम मार्क्स दे, इवन 80 क्रॉस करे, 70 क्रॉस करे, ऐसे सब्जेक्ट्स हों जो मुझे मेरी मेहनत के बाद, एक जब मैं अपनी ड्यू मेहनत दे दूं सब्जेक्ट को, तो वो मुझे ड्यू रिजल्ट भी दे दे। तो मेरे जो सारे ऑप्शन थे वो, आप एक कंपेरेबल पोजीशन में भी हो आप, बिल्कुल। सो उसमें अब जैसे पॉलिटिकल साइंस था, अब इस ग्रुप में अगर हम आए, ग्रुप वन के सब्जेक्ट्स हैं, इसमें पॉलिटिकल साइंसेस और इंटरनेशनल रिलेशंस होता है, इसमें फिर प्योरली बैकग्राउंड वाले सब्जेक्ट्स भी होते हैं जैसे इकोनॉमिक्स है, अकाउंटिंग है, बट अब मेरे पास इस ग्रुप से सिर्फ दो ऑप्शन थी, एक पॉलिटिकल साइंस था, एक आईआर था। अब मैंने पॉलिटिकल साइंस ऑप्ट करने की रीजन ये थी कि जब मैंने पॉलिटिकल साइंस का कोर्स देखा था तो बेसिकली सीएसएस की, अगर मैं किसी सब्जेक्ट को कोर सब्जेक्ट कहूँ कि ये सीएसएस, अगर आप ये कर रहे हो तो ये पूरा सीएसएस है, तो मेरे पर्सपेक्टिव में वो पॉलिटिकल साइंस है। पॉलिटिकल साइंस आपको पूरी जर्नी, मतलब क्या सिस्टम्स हैं, क्या गवर्नमेंट्स हैं, क्या पॉलिटिकल सिस्टम्स हैं, किस तरह दुनिया के कॉन्स्टिट्यूशन रन कर रहे हैं, किस तरह दुनिया आपस में इंटरेक्ट कर रही है, एक एक चीज, ईच एंड एवरी बिट, वो पॉलिटिकल साइंस में कवर होती है अगर आप सब्जेक्ट को कवर कर रहे हो प्रॉपरली। मतलब अगर आप कोई सब्जेक्ट गुजार नहीं रहे हो, अगर आप प्रॉपरली कवर करें तो पॉलिटिकल साइंस वो बेसिक सब्जेक्ट था। इवन इसको मैंने अपने कंपलसरी से भी पहले तैयार किया था, मेरा जो सबसे पहला सब्जेक्ट मैंने कवर करना शुरू किया था वो पॉलिटिकल साइंस था। ठीक है, ये सबसे पहले तो ये मेरा एक फैक्टर था कि हम लोग, मुझे, मैंने जो ऑप्शन सेलेक्ट किए थे वो मार्क्स की बेसिस पे थे कि वो मुझे मार्क्स थे अगर मैं अपनी ड्यू मेहनत इनपुट दे दूं। फिर उसके बाद जो एक जो मेजर चीज थी कि उसका क्या मेरे पास कंटेंट अवेलेबल है सब्जेक्ट का, ऐसा तो नहीं है कि मैं सब, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड बिल्कुल भी नहीं था सोशल साइंसेस का, तो मेरे लिए क्या ऐसा इशू तो नहीं आएगा कि मुझे कंटेंट ना मिल रहा हो, जैसे अकाउंटिंग का सब्जेक्ट है, इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट है, इस तरह के सब्जेक्ट है जो प्योरली आपको ना तो इसके अच्छे मेंटोर्स मिल रहे होते हैं, और ये आपने, मुझे लगता है कि काफी हद तक आपने इसको खुद कवर करना होता है, तो क्या मेरे पास मेंटोर्स अवेलेबल है जिनका, मतलब लेक्चर्स वगैरह अवेलेबल हों, क्या कंटेंट अवेलेबल है, क्या इस पे वर्कआउट हुआ है। तो ये भी एक रीजन थी मेरी ऑप्शनल सेलेक्ट करते हुए कि मैंने ये फैक्टर को भी चेक करना। फिर उसके बाद जो एक चीज थी कि मैं जो देख रहा था कि क्या मैं लाहौर में रह रहा हूँ तो
इन सब्जेक्ट से रिलेटेड मेरे पास टीचर्स हैं जिनसे मैं जाके भी मिल सकूं। अगर फॉर एग्जांपल मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि सीएसएस के रिटर्न में बच्चे बहुत ज्यादा टाइम तैयारी की फेज में गुजार देते हैं और राइटिंग नहीं करते, तो मेरा एक जो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर था ऑप्शन सेलेक्ट करते हुए वो ये था कि क्या मैं जब कुछ चीज लिख रहा हूँ तो मेरे पास मतलब लाहौर में आपको आइडिया मल्टीपल अकेडमीज रन कर रही है, तो क्या मेरे पास ऐसे मेंटोर्स अवेलेबल हैं जिनके पास मैं जाऊं वो मुझे 5 मिनट में देख के बता दे अच्छा यार ये आप पेपर में इस तरह चेंजेस कर लो। और जितनी मेरी ऑब्जर्वेशन है टीचर्स को कोई इशू नहीं होता, आप बेशक उनसे पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे हो, अगर आप उनके पास जाओ उनकी अकेडमीज में जिधर वो पढ़ा रहे हैं थोड़ा वर्कआउट करो इस चीज को, तो आप उनसे जाके डिस्कस कर सकते हो अपने पेपर्स। तो एक फैक्टर मेरा ये था। अब इसके बाद कुछ ऐसे फैक्टर्स थे जो मैंने बिल्कुल कंसिडर नहीं किए थे, जो मैंने देखा है कि सीएसएस की जर्नी में बहुत बच्चे कंसिडर कर रहे होते हैं। उसमें सबसे बड़ा तो फैक्टर ये था टाइम कंस्ट्रेंट। मैंने अभी आपको पहले भी डिस्कस कर रहा था कि मैंने नवंबर 2022 में अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी। मुझे आइडिया था कि मैंने 2023 में अपीयर नहीं होना क्योंकि फर्स्ट ऑफ फेब को पेपर था, तो वो 2.5 महीने में ऊपर से मेरी तब एज भी 21.5 थी, सो आई वॉज जस्ट एलिजिबल टू अपीयर इन द एग्जाम। तो मुझे ये बेहतर लगा कि मैं बजाय इसके अटेम्प्ट को बिल्कुल थोड़ी बहुत तैयारी करके बैठने से बेहतर है पहली अटेम्प्ट मेरी ऐसी हो कि मैं आखिरी अटेम्प्ट की तरह बैठ रहा हूँ। ठीक है, बेहतर। तो मेरे पास टाइम था, सो मैंने सबसे पहला जो फैक्टर नहीं चेक किया था वो था टाइम कंस्ट्रेंट। क्या कोई ऐसा सब्जेक्ट, जैसे बच्चे होते हैं वो कहते हैं जी जेंडर स्टडीज एक बड़ा फेमस है कि 5 दिन में कवर हो जाता है या 6 दिन में कवर हो जाता है, मेरे साइड पे ऐसा कुछ नहीं था। मतलब मैंने सब्जेक्ट तैयार करते हुए या ऑफ करते हुए ये बिल्कुल नहीं चेक किया कि यार ये मेरा 5 दिन में होगा या 30 दिन में होगा। ठीक है, ये सबसे मेन चीज थी। फिर उसके बाद एक और फैक्टर जो बड़ा मैंने देखा है बच्चे कंसिडर कर रहे होते हैं वो होता है ओवरलैपिंग फैक्टर कि अच्छा आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ लो, आप उसका करंट अफेयर में बेनिफिट होगा, पाक अफेयर में होगा, इधर होगा। ये मेरी ऑप्शनल की सिलेक्शन के टाइम पे ये मेरी लिस्ट में नहीं था फैक्टर, मुझे ओवरलैपिंग से कंसर्न नहीं था। मैं बिल्कुल इस चीज को कंसिडर ही नहीं कर रहा था। मुझे था कि मैंने हर सब्जेक्ट को एक क्यों रिस्पेक्ट देनी है, क्यों मेहनत देनी है, उसका एक एक जो सिलेबस का कंटेंट्स है वो मैंने कवर करने हैं, बाकी ओवरलैपिंग पेपर में बैठ के होती है। पेपर में बैठ के आपने हर सब्जेक्ट की चीज इधर से उठा के उधर करनी होती है, वो हर स्टूडेंट करता है। ये मेरे थे इसमें। अब ये मेरे फैक्टर्स थे जिनको मैंने चेक किया और नहीं किया, कुछ फैक्टर्स थे जिनको मैंने कंसिडर किया और कुछ थे जिनको मैंने बिल्कुल नहीं किया। ठीक है, अब इस बेसिस पे अगर हम आ जाते हैं कि मैंने थोड़ा सा इन पे वर्कआउट करते हुए मैंने जरूर मार्कशीट भी देखी थी स्टूडेंट्स की पीछे, मतलब मेरे पास स्टूडेंट टाइम था तो मैं चेक कर रहा था कि अच्छा ये सब्जेक्ट किस तरह मार्क्स दे रहा है, 80s भी दे रहा है, 60s भी दे रहा है, मतलब वो टारगेट वाला एलिमेंट मैंने जरूर कंसिडर किया। ऐसा नहीं है कि मैं वो लोग के टारगेट नहीं होता, सब्जेक्ट हमेशा कोई भी टारगेट हो सकता है, इट्स वेरी अनप्रेडिक्टेबल इतना कि आप उसको जज ही नहीं कर सकते हो कि ये इस साल टारगेट होगा या नहीं होगा। तो मैं ये देख रहा था कि अच्छा एक सब्जेक्ट अगर पीक दे रहा है 80 तो इट मींस कि वो 80 दे सकता है, देने को वो 33 भी दे सकता है, वो मेरे कंट्रोल में नहीं है, वो कंट्रोलेबल ही नहीं है, बट 80 अगर दे सकता है तो इसका मतलब है कि मैंने इस पे मेहनत करके इसको मैंने एक एक्सट्रीम अचीव कर सकता। ये मेरे फैक्टर्स थे जिसमें मैंने अपने सब्जेक्ट ऑफ किए थे। अब मैं रिपीट करते तो मेरे ऑप्शंस जो थे वो थे पॉलिटिकल साइंस, यूरोपियन हिस्ट्री थी, जेंडर स्टडीज थी, क्रिमिनोलॉजी थी, पंजाबी थी। अब इसमें जो कुछ इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, अब जब मैं यूरोपियन हिस्ट्री ऑप्ट कर रहा था तो मुझे एक बड़ी सजेशन आई थी कि यार यूरोपियन हिस्ट्री के साथ ना आप पॉलिटिकल साइंस ना रखो, इंटरनेशनल रिलेशन रख लो क्योंकि आपका बहुत ज्यादा ओवरलैपिंग है। अब जब मैं इंटरनेशनल रिलेशन के जाके मार्कशीट देख रहा था तो वो 120 से ऊपर जा नहीं थी रही। ठीक है, ऑल्दो मैंने 135-140 की एक आध मार्कशीट देख जरूर ली थी, बट मुझे पास जो एक फ्रीक्वेंसी आ रही थी स्टूडेंट्स की वो इट वॉज अंडर 120, इवन 110 से भी कम था। तो मेरा ये फैक्टर जो ओवरलैपिंग वाला था, ये मैंने जैसे यूरोपियन में मैंने बाद में चेक किया था इंटरनेशनल रिलेशन का कोर्स, काफी हद तक ओवरलैपिंग भी था, ऐसा नहीं था नहीं था, बट मेरा चूंकि एक बहुत बड़ा फैक्टर था कि मुझे एक्सट्रीम सब्जेक्ट चाहिए जो मुझे मार्क्स दें, तो मैंने फिर पोलिटिकल साइंस को दिया था। पोलिटिकल साइंस 140 भी दे रही थी, 145 भी दे रही थी, ऑल्दो बच्चों के 80 भी थे, बट मुझे इस चीज से ये पता चल रहा था कि अगर मैंने मेहनत कर ली तो ये 140 दे सकती है, 140 दे सकता है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक। यूरोपियन हिस्ट्री का भी ऐसे था 80-80, 20-21 के मैं मार्क्स देख रहा था, 80-85 तक बच्चों के स्कोर आ रहे थे। सेम वाज द केस विद जेंडर स्टडीज,
इवन इसका इसमें एक फनी चीज है कि स्टूडेंट्स इसको कहते हैं जी हम ये 5 दिन में या 6 दिन में तैयार कर लेते हैं। मेरा तो जेंडर स्टडीज पे भी काफी टाइम लगा हुआ है, मतलब तकरीबन 2-3 हफ्ते मैंने जेंडर स्टडीज को भी दिए हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं दिए। अच्छा, उसके बाद अब यूरोपियन हिस्ट्री है जो मैंने आपको पहले डिस्कस किया, इस पे मेरा यूरोपियन हिस्ट्री का कंटेंट ज्यादा है, नो डाउट। बच्चे मोस्टली मैंने देखा है यूएस हिस्ट्री की तरफ जाते हैं, उसकी रीजन होती है टाइम नहीं होता शायद उनके पास, बट मेरे पास टाइम था तो मैंने यूरोपियन हिस्ट्री पे बहुत ज्यादा मेहनत भी की थी। तकरीबन मेरा, मैं ऑनेस्टली बताऊं तो इट टुक मी इवन 40 डेज टू कवर द होल कोर्स, और मैंने इसको दिए थे, बिल्कुल मैंने इसको दिए थे टाइम, मेरे पास टाइम था, सो मैंने यूरोपियन हिस्ट्री, और मैं अगर इसमें अपने सीएसएस की जर्नी में बताऊं, मेरे लिए जो सबसे ज्यादा एनरिचिंग सब्जेक्ट था, जिसने मुझे सबसे ज्यादा नॉलेज दिया था, वो पॉलिटिकल साइंस नहीं था, वो यूरोपियन हिस्ट्री था। इसने मेरा मतलब होराइजन ऐसे ब्रॉड किए थे, यूरोपियन हिस्ट्री एक आप कॉन्टिनेंट पढ़ रहे हो और ओवर सेंचुरीज पढ़ रहे हो आप, मतलब 1789 से स्टार्ट होता है फ्रेंच रेवोल्यूशन से, और वो कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड तक आता है। मैं इसको थोड़ा सा पीछे भी ले गया था, मतलब 16th सेंचुरी में क्या चल रहा था, 17th सेंचुरी में क्या चल रहा था, मतलब थोड़ा सा मैं इसको लिंक करके लेके आया था, तो मुझे यूरोपियन हिस्ट्री क्रिमिनोलॉजी के साथ जो इस ग्रुप में दूसरा ऑप्शन था वो था फिलोसफी। अब फिलोसफी क्रिमिनोलॉजी की निस्बत एक ज्यादा हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट है, और ये इवन 90 दे देता है फिलोसफी। 2021 का मैं जब रिजल्ट, मैं बिल्कुल जब मैं तैयारी स्टार्ट की थी उस टाइम 2021 वालों का रिजल्ट आया बताओ ऑफिशियल, तो उसमें मैं देख के परेशान हो रहा था कि फिलोसफी 90 भी दे रही है, 88 भी दे रही है, 87 भी दे रही है, मतलब फ्रीक्वेंसी थी एक बहुत ज्यादा बच्चों की जिनके 80 अपर 80s में मार्क्स थे। सो मैं सबसे पहले तो इस ग्रुप से क्रिमिनोलॉजी ऑफ नहीं किया था, मैंने फिलोसफी ऑफ किया था, और मैंने इसको फिलोसफी को थोड़ा सा 4-5 दिन पढ़ा भी था, बट जब मैंने पढ़ना शुरू किया फिलोसफी को छोड़ क्यों दिया आपने? बिल्कुल, मैं जब मैंने पढ़ना शुरू किया उस इस जगह पे आके मेरा एक इंटरेस्ट वाला फैक्टर भी आया था, मतलब ये सब्जेक्ट अब मुझसे अब्सॉर्ब नहीं था हो रहा, मतलब ये नहीं था कि मुझे समझ ही नहीं थी आ रही थी बट मेरा, मैं उसके बाद सैचुरेट हो जाता था। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक फिलोसफर पढ़ लिया और तो मैं उसके बाद मेरा कुछ पढ़ने का दिल नहीं था, ऐसा 4-5 दिन हुआ, तो मुझे मैंने ये सोचा कि यार इससे बेहतर है कि मैं ना क्रिमिनोलॉजी की तरफ चला जाऊं। क्रिमिनोलॉजी अब कंपैरेटिवली थोड़ा सा रिस्की सब्जेक्ट है, इसमें कोई डाउट नहीं। क्रिमिनोलॉजी में जब इसकी एक चेक कर रहा था मार्कशीट वगैरह 2019, 2020, 2021, तो वो थोड़ा सा टारगेट हो रहा था सब्जेक्ट, मतलब बच्चों के 40s में भी, इवन 700 वाले स्टूडेंट्स थे जिनके 40s में मार्क्स थे क्रिमिनोलॉजी में, तो मुझे थोड़ा सा रिस्क फैक्टर था, बट मुझे ये था कि यार ये ना हो मैं ये सब्जेक्ट मार्क्स के लिए ऑप तो कर लूं बट मुझे मार्क्स भी ना आए और मेरा टाइम भी जाया हो जाए, मेरे बाकी सब्जेक्ट भी सफर करें। तो मैंने इस, ये एक वाहिद ग्रुप था जिसमें मैंने मार्क्स को छोड़ के अपना थोड़ा सा इंटरेस्ट भी देखा था, बाकी सब्जेक्ट्स में भी इंटरेस्ट है, मतलब पॉलिटिकल साइंस से मैंने पढ़ना शुरू किया था तो मेरा इसमें काफी हद तक इंटरेस्ट डेवलप हो गया था, मुझे मजा आ रहा था। सेम यूरोपियन हिस्ट्री का था, मुझे बहुत मजा आ रहा था। जेंडर स्टडीज एक बिल्कुल न्यू गेम थी, हम लोगों के जो एक प्रेवलेंट आइडियाज है उससे हटके हम लोग जब नई चीजें पढ़े होते हैं, तो वो भी मतलब मुझे इन सारे सब्जेक्ट में मजा आ रहा था। और फिर अबव ऑल सबसे जो बेहतरीन सब्जेक्ट था वो था पंजाबी, वो तो आप अगर उसमें पंजाबी, मैं तो कहता हूँ पंजाबी एक एवरग्रीन सब्जेक्ट है जिस जो मतलब इवन पूरे पाकिस्तान को ऑफ कर लेना चाहिए, ये 90s भी देता है इसमें सारे पंजाब के लोगों को तो कर लेना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल ऐसी है, इसमें इसमें ये बात एक सच है कि ये ऐसा नहीं है कि पंजाबी नंबर 90 दे देता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैंने तो ऐसा, मैंने ऐसा अपने 500 सब्जेक्ट्स में किसी में ऐसा नहीं देखा कि यार मैं ये बस 3 दिन देख लिया मेरा 90, ऐसा मुझे फील ही नहीं हुआ। मैंने अब पंजाबी को एक एक्सट्रीम टाइम दिया हुआ है, मतलब मैंने पंजाबी के आइडेंटिफाई किए थे पोर्शंस के, ये पोर्शन से पेपर इस तरह आ रहा है, और वो थोड़ा सा मतलब आप जज कर लेते हो कि पेपर अच्छा, मैंने 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। ये पंजाबी में ये भी एलिमेंट होता है, पेपर का भी आपने थोड़ा ध्यान रखना होगा कि पंजाबी का पेपर बाकी से डिफरेंट है, बाकी में 4 क्वेश्चंस होते हैं, पंजाबी में 5 होते हैं। मैंने बट पंजाबी को जब मैं देख रहा था तो मैंने इसके पेपर 5 पेपर्स देखे, मैंने आइडेंटिफाई किया मैंने ये पोर्शंस करे, बट मैंने उन पोर्शंस को बहुत मतलब एक एक्सट्रीम पे जाके तैयार किया था। इवन मैं जैसे 12 के 12 शायद मेरे तैयार थे,
अगर अगर आप अगर आप कहें तो हमने वन बाय वन हर सब्जेक्ट के ऊपर डिस्कस करनी है, तो उसमें अगर हम इन चीजों को इन डिटेल डिस्कस कर लें बिल्कुल तो बिल्कुल होप सो कि ये ज्यादा बेहतर रहेगा। यस सर और थोड़ा सा ये है कि मेरा अपना ख्याल ये है कि इंटरेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो आपका सब्जेक्ट के अंदर आपका इंटरेस्ट बनता है, आपकी उसके साथ एक केमिस्ट्री बनती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आपने कहा कि फिलोसफी के साथ नहीं बनी और ये सारी चीजें, इंटरेस्ट को बहुत इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। और मेरा अपना ख्याल ये है कि सीएसएस का जो भी एस्पिरेंट है उसको उसको एक हिस्ट्री जरूर ऑप्ट करनी चाहिए। ये आपके वो जैसे आप कहते हैं ना, आपके होराइजन को और आपके एक्सपोजर को और आपके विजन को और आपकी चीजों को एनालाइज करने की एबिलिटी को, ये बहुत ही ज्यादा जो है ये एक्सपैंड कर देते। तो मुझे याद है जब आप ऐसे लिखते थे तो आपकी वो जो स्टाइल था, उस स्टाइल को हम क्या कहते हैं, एनेक्डोट एनेक्डोट स्टाइल। हाँ, एनेक्डोट स्टाइल जो था, तो उसमें आपकी सारी एग्जाम्पल जो होती थी वो यूरोपियन हिस्ट्री से होती थी। बिल्कुल तो सर बिल्कुल, मेरा अपना भी ख्याल ये है कि एक ना एक हिस्ट्री जरूर पढ़नी चाहिए सीएसएस पर, सीएसएस एस्पायरेंट को, उसके लिए बहुत जरूरी है। तलहा, आपके टाइम का बहुत शुक्रिया, और इंशाल्लाह जो हम अगली वीडियोस बनाएंगे उसमें हम आपके जो सब्जेक्ट्स हैं उनके ऊपर और उनकी डिटेल्ड प्रिपरेशन के ऊपर, कि वो कैसे प्रिपेयर करना है, उसके लिए कौन से सोर्सेस, कौन से बुक्स, कौन सी एप्स, कौन सी नोट्स, हम ईच एंड एवरीथिंग डिस्कस करेंगे, ताकि जो भी इन वीडियोस को देखे इन इन सब्जेक्ट्स को प्रिपेयर करने के हवाले से उसके माइंड में किसी भी तरह की तशनगी या एम्बिग्विटी और या कन्फ्यूजन जो है वो बाकी ना रहे। बहुत शुक्रिया तलहा। श्योर सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सर। थैंक यू।